हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कुछ अलग। ये देखो स्टार्ट। क्या बनाओगी रुचि आज? देखिए कोशिश तो चिकन की, अब क्या बने पता नहीं। पहली बार बन रहा है ना? चाय से सीधा चिकन। नहीं, चाय फिर सैंडविच फिर चिकन। चिकन देखो गाइस, देखो गाइस, आप लोग को स्मेल आ रही? स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस। तभी से पैक कर रही, तैयारी कर रही। हाँ, तो फिर आ जाएगा, फिर टाइम लगता है। वाओ गाइस, तो आज अपन की भाभी बनाएगा चिकन टांगों वाली। मुर्गी की है, मुर्गे की वो पता नहीं। ये क्या क्या है रुचि? ये है जीरा। थोड़ा जोर से बोलो। ये है जीरा, धनिया, साफ सौंफ। ये जीरा, धनिया और सौंफ का मिश्रण, और इसके अंदर तो बहुत सारे मसाले जिनका नाम मुझे भी नहीं पता। काली मिर्च, लौंग और धनिया और पता नहीं और क्या क्या, दालचीनी। ये है टमाटर की प्यूरी। ये है हरा मसाला जिसमें आप हरी धनिया और हरा मिर्ची और लहसुन, वो है प्याज। ये है कटी हुई प्याज और ये थोड़े से आप नाम देख लो, मुझे नहीं पता, नाम तो पता नहीं होगा, देख लो बस। और ये है मेरा चिकन वाला पॉट और इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। और इसकी तैयारी कौन कर रहा है? मैं। ये बनाने वाली। और ये देखो बर्तन धुल गए सारे पूरे। बर्तन नहीं, मुर्गा धुला। अच्छा, ये पूरे बर्तन धुले हुए हैं। अब बेचारा ये देखो अभी ये धुल रहा है। बड़ी तकलीफ है। मैं मुर्गा अपने ही हाथों का धुला हुआ खाता हूँ, इसलिए मुर्गा मुर्गी मुर्गा कंफर्म कंफर्म। ओके, ये बना रही है रुचि। मुर्गी पकाओ कि मुर्गा? आधा। और सबसे मेहनत वाला काम तो देखो, एक ये कर रही है और दूसरा बेचारा ये बर्तन उर्तन सब धुला दे। नहीं सौरभ, बता, जब कोई काम करे इतनी मेहनत के साथ ना तो बताना चाहिए बेचारा, है ना? इतनी मेहनत बिना ना नहाया ना धुला कुछ, ना धुला कुछ, बस लगा वो। बनाओ बनाओ। क्या मिला रहे? थोड़ी सी दही भी मिला सकते हैं if you want। हल्दी नमक, तो हल्दी नमक इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं चिकन में हल्दी नमक मिला दिया। चलो मैरिनेट, ठीक है। ये तो धुआं फेंक रहा है यार, डालूं क्या? अरे बाप रे बाप। हां फूटेगा? नहीं, वाह वाह, हो गया, बन गया, हो गया। वाह बेटा, ऐसे चिकन बनेगा? एक वो टिकटॉक और उसमें नहीं आता जो दूर से डाल के, और ओनली मोबाइल, ओनली बर्तन धुल गए सौरभ? ठीक ठाक धुले ना? हाँ ठीक है, हाथ धुला भाई। नहीं, बर्तन अच्छे साफ किए। चलाओ इसको। तो रुचि अभी इस पे क्या बाकी है? क्या उड़ी जा रही है सौरभ?
कराइया भाग रही तो गाइस 4.5 घंटे का ये चिकन अब बन रहा है राइस और कितने लोगों के लिए चार लोगों एक दो तीन चार पाँच छ सात तो गाइस 4.5 घंटे की ये चिकन के बाद शक्ल बाद में दिखाऊंगी अब बनने जा रहा है राइस ये हमारी भाभी जी की देन है रुचि भाभी 2 साल में पहली बार मैं खा रही हूँ इनके हाथों से चिकन मैं खुद भी पहली बार खा रही हूँ वाह ये देखो 4.5 घंटे का चिकन मैम इसमें कुछ अलग क्या था जिसमें जो कि 4.5 घंटे लगे सीक्रेट मसाला है जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती इसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 4,000 का एक प्लेट हाँ ये मतलब थोड़ा स्पेशल है इसलिए अब क्या ही बोलूं क्योंकि मना किया गया है सामने से कि वो रेसिपी पे क्या लास्ट वाला जो है वो नहीं बताना है ना रुचि तो अब 4.5 घंटे के चिकन के बाद 2 घंटे वाला राइस भी देखते दो घंटे वाला राइस और खाने वाले हैं ये आप नहीं खाओगे इतनी मेहनत से बनाया हुआ इसलिए पहले ये इसलिए खिला रहे हैं ताकि आपकी आवाज और सुरीली हो जाए गले में टंगड़ी बार बार हाथ फंस और ये देखिए एक महापुरुष वो हमेशा बिजी रहते हैं फोन में ये देखिए बड़े भैया ये एक पता नहीं कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं जो कि कभी बंद ही नहीं होता भैया ये देखिए कुछ नहीं ओके गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय